भक्तों, अभी तक हमारी कथा को आपने कन्हैया कैसेट के माध्यम से लक्ष्मण सूपनखा संवाद अहिरावण वध सुना है। ये आपके सामने गीतराज भाग दो प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रेम के साथ में आप सुने भाव, जब दोनों कैसेटों को आप सुनेंगे तभी आनंद प्राप्त होगा। आइए, मुझे द्वारिका सिंह यादव कहते हैं। मेरा पता 8 आवास विकास कॉलोनी शाहजहांपुर। मेरे साथी ढोलक में छन्ने बारिश और शत्रुघ्न सिंह यादव साथ दे रहे हैं। क्लैंड मास्टर सरताज सहयोग दे रहे हैं तथा झींका में मेरे परम शिष्य रामनिवास शुक्ला साथ दे रहे हैं। ये मेरे साथियों का परिचय है। आइए अब उस भक्त की वाणी को सुने जो प्रभु के चरणों में पड़ा हुआ है। तब कहा गीध बचन धरी धीरा, प्रभु पास में खड़े हैं, भक्त गीधराज प्रभु के चरणों का स्मरण कर रहा है। तब कहा गीध बचन धरी धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा, नाथ दशानन यह गति कीन्ही, नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी, तेहि खल राज के ऐसे वचनों को सुना, प्रभु देख रहे हैं उस भक्त को, क्यों रहा ये इतना बेहाल शरीर, फिर भी ये जीवित है। कहने लगा गीधराज, प्रभु मैं अब तक मर गया होता, परंतु दर्श लागी प्रभु राख्यो प्राण। महाराज अब आपका दर्शन हो गया, दर्श लागी प्रभु राख्यो प्राण, चलन चाहत अब कृपा निधान, चलन चाहत जरा विचार करें बंधु, गीधराज से प्रभु ने क्या कहा, ये विशेषता देखें। क्या बोले प्रभु, राम कहा तन राखहु ताता, गजब हो गया भक्तो। विचार करें बंधु, महाराज दशरथ के राम जैसे पुत्र हुए, मृत्यु के समय 4 पुत्रों में एक भी पुत्र पास में नहीं है, गीधराज मर रहा है, भगवान राम उस गीधराज से कह रहे हैं, गीधराज। विचार करने की बात है बंधु, सोचो जरा, भक्ति के भाव को देखो, निष्काम भावना देखो, इस गीधराज से शिक्षा लो, भगवान ने क्या कहा। राम कहा तेन राखहु ताता, पिता कहा, गजब हो गया, गीधराज को पिता कहा और कह रहे हैं नहीं मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। राम कहा तेन राखहु ताता, गजब है। जब प्रभु ने ऐसा कहा तो गीधराज कराहते कराहते, दुख भरी आवाज निकलते निकलते मुस्कराहट आ गई। मन मुस्काए कही तेही बाता, जरा विचार करें, शरीर में घावों की पीड़ा हो रही है, लेकिन फिर भी प्रभु के वाक्यों को सुनकर के गीधराज के मुस्कराहट आ गई। मन मुसुकाए कही तेही बाता, मन मुसुकाए कही। आइए भक्तों, जरा विचार करें, भवानी की शंका तैयार हो गई। चौपाई को ध्यान दीजिएगा, बहुत आनंद आएगा। चौपाई को ध्यान दीजिएगा, भवानी कहने लगी, प्रभु बोली पार्वती त्रिपुरारी, शंका प्रबल प्रचंड
हमारी सन। महाराज अपहरत सिय कर पाप कराला, परम धाम पायो दस भाला। जिस रावण ने सीता का हरण किया भगवान ने उसको परम धाम दिया। और गिद्ध सिय हित पंख कटाए, निज तनु तजी बलिदान कराए। महाराज कही ना मोक्ष देन की बात आ। आज भगवान गीधराज से कहते गीधराज हम तुम्हें मोक्ष देंगे, लेकिन नहीं। कही ना मोक्ष देन की बात आ, कही ना मोक्ष देन की बात आ, राम का हाथ अनुराध हो दाता राम। भगवानी के ऐसे प्रश्नों को जब भोले बाबा ने सुना, कहने लगे देवी सुनो मेरी बात समझो। रामायण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। अति विचित्र मानस लहराई, गुरु बिनु कतहु था को पाई। जो तुम मानस गुरु सन पढ़ते, शंका अस कदापि नहीं धरते। क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम राम, करत चरित अनुपम अभिराम। करत जरा विचार करो क्या बोले प्रभु। कहने लगे कि पैहई गीध परम गति सोई, शंका करहु धैर्य जनी खोई। प्रभु ने क्या विचार किया, सोचत कृपा सिंधु रघुराई, पिता गए मम स्वर्ग सिधाई। आइए बंधु, भगवान विचार कर रहे हैं मेरे पिता स्वर्ग चले गए, और पिता के बगैर सिंहासन सोना है। और जिसने सीताई पुत्री पुत्री कही भाखा, निज पौरुष उठाई नहीं राखा। कटे पंख अति दिन बिहंगा, बोले प्रभु लगाई निज अंगा। क्या बोले भैया, तुम्हारे पुत्र न पिता हमारे, धन्य है तुम्हारे पुत्र न पिता हमारे, विधि संयोग भल रचउ बिचारे, राम ही पुत्र तात तुम जानो, पिता सरिस हम तुम कहाँ मानो। आइए, बड़ा विचार करके प्रभु ने कहा, गीधराज तुम्हारे पुत्र नहीं है, मेरे पिता नहीं। तुम सुत को सुख सखौ निहारी, हम कहा देउ पिता सुख भारी। बनी रहे पिता पुत्र में नाता, बना रहे पिता पुत्र में नाता, राम कहा तनु रख होता राम।
भवानी कहने लगी, प्रभु बड़ा अजीब बात है, एक बात मेरी ये समझ में नहीं आई। कहने लगे, महाराज आपने कहा भगवान राम ने गीधराज को पिता कहा, सो क्यों महाराज? भगवान शंकर कहने लगे, सुनो देवी, नप दशरथ की गीध मिताई। जब दो मित्र हो, एक मित्र का पुत्र दूसरे मित्र को पिता ही नहीं कहेगा और क्या कहेगा, चाचा कहेगा। भवानी, नप दशरथ की गीध मिताई, भली भांति जानत रघुराई। भगवान राम अपने पिता गी अपने पिता और गीधराज की मित्रता को समझते हैं। दशरथ सखा जटायु जानी, पिता सारी सते रति सनुमानी। भवानी कहने लगी, वारे प्रभु बड़ा अजीब बात कह दी आपने, दशरथ और गीधराज के मित्र, सो कैसे प्रभु? एक बात बताओ। सुनी बोली तब पार्वती, चक्रवर्ती दशरथ और गीध मिताई, कस भई कहाऊ कौन सोता थे। भवानी ने कहा, महाराज ये मित्रता कैसे हो गई? भोले बाबा कहने लगे, सुनो देवी, एक समय अवध में न 12 वर्ष वृष्टि भई, जीव जंतु देश के समग्र अकुलाने हैं। एक समय अयोध्या में सूखा पड़ गया और 12 वर्ष तक पानी नहीं बरसा। छोड़ी द्रुम दंडज नीड अंडज अगारो भगे, अतृण प्रचंड देख पशुबन पराने हैं। जंगल से पशु भागने लगे। सरित सरोवर बापी कूपहु कुरूप भय, भूपहु ननेक चित चिंता कछु आने हैं। ऐसी स्थिति हो गई उस अयोध्या की। एक अवलंब सलिल सरयु साकेत बीच, प्राणी मात्र संकट सकेली घबराने हैं। अयोध्या में केवल जल का एकमात्र साधन है और वह है सरयू। ऐसे समय में, ऐसी विकट परिस्थिति में, जबकि समस्त संसार जल के लिए त्राही त्राही कर रहा है, महाराज दशरथ ने क्या किया? एक दिवस नृप संग सहाय, खेला नहीं तो मृग आवन जाई। राजा दशरथ ने क्या किया? शिकार की तैयारी कर दी। पशु विहीन बन सकल बिलो का, लेकिन जंगल में जब गए राजा दशरथ तो क्या देखते हैं, जंगल में कोई न पशु है न पक्षी है। जय जय पशु विहीन बन सकल बिलो का, तब मन भयो न पति के शोका, तब मन भयो। राजा दशरथ विचार करने लगे, जंगल में न कोई पशु है न कोई पक्षी है, अगर आज मैं बगैर शिकार के लिए लौट गया, बिनु मृग लौटी अवध यदि जाऊं। सोचने लगे राजन, मृग बिनु मृग लौटी अवध यदि जाऊं, छत्री धारा मनीज हाथ न साऊं। निवासा परी न नींदन पही अति त्रासा।
दशरथ ने विचार किया, अगर बगैर शिकार के चले गए तो छत्रीपन को धिक्कार है। इसलिए वो रात राजा दशरथ ने जंगल में व्यतीत की। सोचने लगे, विचार किया, सोचत प्रात अपर बन जाई, सोचत प्रात अपर बन जाई, मारहूं मृग संकल्प दृढ़ाई। राजा ने सोचा सवेरे दूसरे जंगल में जाकर के किसी न किसी मृग को लेकर के ही अयोध्या वापस जाऊंगा। यही विधि जलपत भाभीनुसारा, विचार करने लगे, सोचने लगे राजन। सारी रात बिता रहे हैं, सवेरा होने को आ गया। यही विधि जाल पत भाभी नुसारा, पक्षी नहूं नहीं सबद सजारा। राजा दशरथ को सारी रात बीत गई, एक भी पक्षी की आवाज सुनाई नहीं दी। वहीं पड़ोस में जहां राजा अपनी समस्त सेना को लिए लेटे हैं, वहीं पर रहु तहां सुख सुखी समेता, रहु तहां सुख सुखी समेता, जल बिनु तेउ तहां पड़े अचेता। जहां पर राजा है वहीं पर एक तोता और एक तोती अपने प्राणों को लिए हुए छटपटा रहे थे प्यास के कारण। राजा को देखा, नपहि बिलो की सुखी सन तेरी, कहत बचन सुख सम्मति मेरी। ए प्यारी, भयो मदांध अवध मही पाला। तोता कहने लगा, तोती, ये राजा दशरथ अंधा हो गया है। भयो मदांध अवध मही पाला, जल बिनु तड़पत प्रजा बिहाला। जल बिनु जब तोता ने कहा, तोती, ये राजा दशरथ अंधा हो गया, क्यों? क्योंकि इसको ये दिखलाई नहीं पड़ता है। बनता जी सकल गए पशु भागी, सुनी नींद पक्षी बिन लागी। तबहू नप मन करत बिचारा, तबहू नप मन करत बिचारा, करैया गे बरसई जल धारा। करई जागे देवी, ऐसे राजा के राज में रहना ठीक नहीं है, इसलिए निकलो, चलो। भलो आजहु निज पंख उड़ाए। ऐ तोती, अभी हमारे पास में पंख है, थोड़ा उड़ सकेंगे,
भले ही आज निज पंख उड़ाई, बसी हैं कतहुं विदेश ही जाई। बंधु, तोता ने कहा ऐसे राजा के राज में रहना ठीक नहीं है। राजा दशरथ सो नहीं रहे, आज सुता सुनत सकल सुखबानी। तोता की सभी बातें राजा दशरथ ने नोट कर ली। आज सुता सुनत सकल सुखबानी, व्याकुल पशु पक्षी बिनु पानी। तुरत ही कूच अवध कर आए, शिकार करना छोड़ दिया राजा दशरथ ने। तुरत ही कूच अवध कर आए, गुरु वशिष्ठ कहाँ बेगी बोलाए। आए मुनिन सहित गुरुद्वारा, आसन दैन को भजन उचारा। गुरुदेव आए, राजा दशरथ ने प्रेम से बैठाया। कहने लगे गुरुदेव, देवन बरसत धरनी पर, बैन जामत धान, त्रेता महाकली अधम यह कही अपराध निदान। गुरुदेव, ये कलयुग जैसा पाप त्रेता में कैसे आ गया? ये कलयुग की निशानी है, दूध देने वाले पशु दूध देना बंद कर देंगे। वर्षा कभी अधिक होगी कभी कम होगी, फल देने वाले वृक्ष फल देना बंद कर देंगे। ये कलयुग की निशानी है गुरुदेव, त्रेता में पाप कहां से आ गया? तब वशिष्ठ बोले मुस्काई, मुस्कराहट आ गई वशिष्ठ जी महाराज को। मुस्करा करके कहने लगे राजा सुनो। तब वशिष्ठ बोले मुस्काई, ज्योतिष फलित कहे कछुगाई। मैं कुछ ज्योतिष की बात बतला रहा हूं तुम्हें। ओ करत रोहिणी गिरी पर बासा, राजा करत रोहिणी गिरी पर बासा, शनि कुद्राष्टि जल की नंदिनासा। राजा, और ये समय रहेगा कब तक? कब तक रहेगा? 17 साल पढ़ई जहा योगू, एक दो साल नहीं राजा, 17 साल पढ़ई यह योगू, तुम्हारे किए बने संजोगू। समय 17 साल तक रहेगा, लेकिन राजा तुम कर्म कर सकते हो। क्या? राजन, जाहु न पति शनि लोक उड़ाई, जय जय जाहु न पति शनि लोक उड़ाई। राजा, तुम शनि लोक को जाओ और वहां पर ताकि कुदृष्टि शनि फेरहु जाई। तुम जाकर के शनिश्चर की दृष्टि घुमाओ अपने राज से, क्या होगा? बरसही जल दे भूमि नियराए, बरसही जल दे भूमि नियराए, दशरथ रथ चढ़ी तुरत सिधाए, दशरथ रथ चढ़ी। भला दशरथ को देर कैसी? क्यों? क्योंकि दस दिशी गमन करत रथ याको, दस दिशी गमन करत रथ याको, दुर्गम शनि लोक कहते ताको।
हाँ हराई शनि कर विषम तेज अधिकारी राजा दशरथ ने शनि लोक को प्रस्थान कर दिया लेकिन शनिश्चर का तेज सूर्य का पुत्र है ना सही न सक्यो न प फिरे हु की जारी सही न सक्यो न प फिरे हु की जारी रथ अत कटिया चंगा अनुहारी शनिश्चर के तेज को सहन न कर सके राजा दशरथ के घोड़े एकदम पीछे को मुड़ पड़े और मुड़ने से रथ की धुरी टूट गई जब रथ की धुरी टूट गई रथ आकाश से नीचे को गिरने लगा जरा विचार करें बंधु तो नभपथ गिरत जटायु देखा नभपथ गिरत जटायु देखा धावा खेची बाज्र समरेखा कटानन निज पंख फुलाई दशरथ रथ रोके सिबरी आई दशरथ रथ रोके सिबरी आई एकदम गीतराज ने पंखों को फैलाया और महाराज दशरथ के रथ को आसमान में रोक लिया आहा महाराज दशरथ ने देखा दशरथ देखी आहा दशरथ देखी तासु पुरुषार्थ मेरे बंधु राजा दशरथ ने देखा इसका इतना बड़ा पुरुषार्थ और वहीं आकाश मार्ग में राजा दशरथ ने दशरथ देखी परम पुरुषार्थ मैत्री की नबी विधि विधि दशरथ आकाश मार्ग में महाराज दशरथ ने गीधराज से मित्रता की भगवान शंकर कहने लगे भवानी गीध संग कहा पुनिय बधेसा गीध संग कहा पुनिय बधेसा बढ़े व्योम तजी सकल अंदेसा बोलो सच्चिदानंद भगवान की